आप लोग सब खैरियत से होंगे और रमज़ान भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। काफ़ी रमज़ान अब गुजर भी चुका है और तो आज की ये वीडियो में जो है बहुत सारे हमने आपको बताई है कि दराज, ईबे और बहुत सारी अमेज़ॉन वगैरह इन सब की चीज़ों की बात कर ली है। और आज मैं सोच रहा था कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं कि जो कि पाकिस्तान में भी बहुत चल रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और इसके अलावा जो है यूएस की मार्केट और जितने भी मार्केट्स हैं अपनी जो ऑनलाइन मार्केट्स होती हैं उन सब के अंदर ये जो प्लेटफॉर्म है जिसको शॉपिफाई कहते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वेबसाइट्स भी क्रिएट करी हुई हैं। असल में मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक शॉपिफाई पे क्रिएटेड वेबसाइट भी दिखा दूंगा, और भी काफ़ी मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी वेबसाइट्स क्रिएट करी हुई हैं। शॉपिफाई पे कैसे काम होता है, क्रिएट कैसे होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा उसके ऊपर। और अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से शॉपिफाई के ऊपर बिजनेस खड़ा करना है तो उसके लिए भी मैं पूरी, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं इंशाल्लाह पूरा इसके ऊपर एक कोर्स तैयार कर दूंगा, ठीक है। तो मैं शॉपिफाई का आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको समझने डोमेन होस्टिंग भी दे देता है, बट डोमेन होस्टिंग आपको अलग से भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अलग से भी बाय की जाती है। शॉपिफाई का एक पर मंथ का ट्रायल होता है, ठीक है। 14 डे ट्रायल इनका फ्री होता है, 14 डेज के बाद वो आपको चार्ज करते हैं, और पाकिस्तान में टोटल 25 या $29 समथिंग जो है चार्ज होते हैं पर मंथ, ठीक है। तकरीबन पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपये बनते हैं, या शायद 6-7 साढ़े 6 हज़ार रुपये इतने बनते हैं, और ये आपको मंथली पे करने होते हैं। तो मंथली आप पे करते हैं और आपको जो है वो क्या कहते हैं, शॉपिफाई अपना प्लेटफॉर्म देता है, और बिल्कुल सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है ये। सिक्योर से मुराद कि ये आपकी अगर वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर बनी होती है तो वो हैक नहीं होती बिल्कुल, और हैक होने से, क्योंकि शॉपिफाई के पीछे जो बैकएंड है शॉपिफाई का, उन्होंने काफ़ी जो है ना मतलब इस सिक्योरिटी के पर्पज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली रखा हुआ है कि मतलब आप कोई भी इसको ईजिली हैक नहीं कर सकता, ठीक है। इनका एक पूरा प्लेटफॉर्म है, और जिस तरह वर्डप्रेस को नॉर्मली हैक करा जा सकता है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, और जो कि ओपन सोर्स है वर्डप्रेस, जिसकी वजह से जो है वो हैक भी हो जाता, और हैक होने का मतलब बहुत इजीली हैक हो जाता है, लेकिन शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हैक नहीं होता। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि शॉपिफाई को आपको क्यों यूज़ करना चाहिए, और मैं आपको शॉपिफाई की काफ़ी सारी वेबसाइट भी दिखा दूंगा जो कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह और मैंने भी अपने काफ़ी क्लाइंट्स के लिए शॉपिफाई के ऊपर काम किया है। तो शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग होती है, और यूएस की मार्केट में भी ड्रॉप शिपिंग होती है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ, और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे हुआ है। जी, तो हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और जैसा कि आपको बताया था कि शॉपिफाई पे किस तरीके से काम होता है, क्या होता है, सारी चीज़ें, पैनल उसका कैसा होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ और चलते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, दो वेबसाइट दिखाता हूँ एक्चुअली जो कि शॉपिफाई पे ऑलरेडी बनी हुई हैं, और एक मेरे अपने फ्रेंड की है साथ में हमारा काम का, और दूसरी जो है वो मेरे एक क्लाइंट की है। तो पहले मैं आपको अपनी क्लाइंट वाली वेबसाइट दिखा देता हूँ, wizercare.com के नाम से, ये देखिए। जी, तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये जो है वो मेरे क्लाइंट की वेबसाइट थी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मतलब उसने जैसे स्लाइडर के अंदर भी जो है वीडियो लगी हुई है यहाँ पे, और ये पेशेंट के ऊपर। अच्छा, पहले इनकी जो वेबसाइट थी वो नॉर्मली उसके ऊपर थी, जो मेकअप वगैरह होते हैं, मेकअप की सारी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर थी, बट अभी इन्होंने जो है चेंज करके इसको पेशेंट वगैरह और कुछ डॉक्टर मेडिकल वगैरह के ऊपर लेकर आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टॉक माली के नाम से, ये आप देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट डाउन चल रही है अभी, इसकी वजह से ये अभी इसका DNS वर्क नहीं कर रहा, मे बी ये डाउन नहीं हुई। तो मैं आपको आप पैनल दिखा देता हूँ शॉपिफाई का, कि शॉपिफाई काम कैसे करते हैं, शॉपिफाई पे होता कैसे है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। shopify.com, ठीक है, ये हमारे पास पैनल है शॉपिफाई का, ये
यहाँ पे जाके आप अपना अपने आप को साइन अप कर लीजिए लॉग इन करके। लॉग इन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो लॉग इन कर लीजिएगा, तो आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। मेरा शायद ये एक्सपायर हो चुका है, बट मैं भी फिर भी इसको लॉग इन करके देखता हूँ कि लॉग इन हो रहा है या नहीं। अगर हो जाता है ये मैंने इन्हीं का मुझे यहाँ पे मिला हुआ एक्सेस अभी भी है मेरे पास इनका, जो कि मेरे क्लाइंट है। तो देखते हैं अगर ये इनका एक्सेस ओपन हो जाता तो ठीक है, वरना फिर जो है ये देखें ये इनका पैनल है पूरा। ठीक है, एक ऑर्डर भी पेंडिंग पे है, बट ये आई थिंक ये एक टेस्टिंग ऑर्डर है मेरी। तो ये इसका पैनल है, आप देख सकते हैं पूरा शॉपिफाई का पैनल है, मॉड्यूल है शॉपिफाई का। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं, बाकी एनालिटिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑर्डर प्रोडक्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं, जो प्रोडक्ट कौन कौन सी डली हुई है, या आप डाल कैसे सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा एक कोर्स है। वो भी अगर आप बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है पूरी एक बना के दिखा दूँगा, पूरी इसकी लिस्ट है और ये किस तरीके से आपने शॉपिफाई का अकाउंट सेटअप करना है। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग होती है, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है कि आपने कौन से प्रोडक्ट सेल करना है। ठीक है, ये शॉपिफाई से अच्छा खासा रेवेन्यू आप ड्रॉप शिपिंग से जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। तो शॉपिफाई जो है ना वो आपको एक, क्योंकि फेसबुक इसका पार्टनर है, तो शॉपिफाई और फेसबुक जो है जब आपस में मिलते हैं ना तो वो एक बेहतरीन सेल्स लेकर आते हैं। तो मेरा भी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अभी जो वेबसाइट है मेरे पास वो वर्डप्रेस पे बनी हुई, बट मेरा इरादा है इंशाल्लाह कि शॉपिफाई पे जाने का। बट ये है कि मैंने इसका अल्हम्दुलिल्लाह सारा कोर्स वगैरह मैंने कंप्लीट करके और सारी चीज़ें मैंने करके इसको सेटअप किया हुआ। तो इंशाल्लाह अब जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको और भी सारी चीज़ें इसमें क्लियर करके बता दूंगा, और इसकी पूरी एक सीरीज़ बना देंगे, जिससे ये होगा कि सारी की सारी चीज़ें हम आपको इसमें गाइड करते जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। बगैर उसके देखेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती, तो कोशिश कर लें कि आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो है आपके पास नोटिफिकेशन हमारी आती रहे। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।